मैं सबसे जो यादगार मेरे लिए साउथ एशियन गेम्स थी, क्योंकि मैंने इंडिया को जीता फाइनल में, और जब झंडा पाकिस्तान का ऊपर गया तो आपको पता ही है मेरे पास तकरीबन 54 नेशनल्स हैं, और जिसमें से मेरे ख्याल इंटरनेशनल मेरे गोल्ड कोई 25 इंटरनेशनल गोल्ड है मेरे पास, जिसमें से हमारे जो PSA होते हैं जैसे प्रोफेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट, उसमें से मैं 20 टाइम फाइनल खेला हूँ, 11 दफ़ा मैं जीता हूँ, 9 दफ़ा आ रहा हूँ, फिर साउथ एशियन के मेरे पास 2 गोल्ड मेडल हैं, फिर मैंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज लिया है, और एशियन जूनियर चैंपियन, एशियन सीनियर चैंपियन, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है, और हम हमेशा बनते हैं उन लोगों की आवाज़ जिनकी सोसाइटी में कोई आवाज़ नहीं बनता। पाकिस्तान का एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान 26 साल पूरी दुनिया में हुक्मरानी करता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दहाइयों से वो खेल मंजरे आम से गायब है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर तैयब असलम इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 6 सालों से पाकिस्तान में इनसे नंबर 1 का टाइटल कोई नहीं हासिल कर सका। इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 6 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। आइए तैयब असलम से स्क्वाश के बारे में जानते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि इनकी दुख भरी कहानी इनसे जानते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो गेम है जिसको ना हम देखना चाहते हैं और ना उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें व्यूज़ नहीं मिलते, इससे हमें TRP नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो बनेगा इन लोगों की आवाज़ और आप लोगों की अदालत में रखेगा और फैसला आप पर छोड़ेगा। तैयब, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको सबसे पहले हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, और मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान के हीरो के साथ खड़ा हूँ। जिस तरीके से क्रिकेटर्स को अवार्ड मिलते हैं, उनको सराहा जाता है, और डिफरेंट वो और भी कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनको सराहा जाता है, जब एज ए नेशनल प्लेयर, नेशनल हीरो आप देखते हैं कि आपको उस तरीके से पजीराई नहीं मिलती, तो तैयब असलम कितना टूटता है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी सबसे जो दुख भरी कहानी है मेरी लाइफ की, वो मेरी सर्जरी है, वो रिसेंटली मेरे US ओपन के दरमियान मेरा ACL टेयर हो गया। तो मैं पिछले 6 साल से पाकिस्तान नंबर 1 हूँ, मुझे आज तक पिछले 6 माह में किसी पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन या किसी बंदे ने फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि तू ठीक है कि नहीं, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो किसी चीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप किसी आप शहनशाह फरीदी का ACL टूटा जैसे, उसको PCB ने सारी रिकवर इंग्लैंड भेजा है, सारी उसकी सर्जरी रिकवर किया, रिहैब करवाया है, उसको वापस स्पोर्ट्स में लेके आए, लेकिन मुझे आज तक किसी ने एक मैसेज भी नहीं किया कि तू तेरी तबीयत ठीक है। और इस मुल्क के लिए मैंने इतने गोल्ड लिए हैं, मेरे पास तकरीबन 54 नेशनल्स हैं, और जिसमें से मेरे ख्याल इंटरनेशनल मेरे गोल्ड कोई 25 इंटरनेशनल गोल्ड है मेरे पास, जिसमें से हमारे जो PSA होते हैं जैसे प्रोफेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट, उसमें से मैं 20 टाइम फाइनल खेला हूँ, 11 दफ़ा मैं जीता हूँ, 9 दफ़ा आ रहा हूँ, फिर साउथ एशियन के मेरे पास 2 गोल्ड मेडल हैं, फिर मैंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज लिया है, और एशियन जूनियर चैंपियन, एशियन सीनियर चैंपियन, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मुझे ये बताइए, इतने गोल्ड, इतने नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स आपके पास हैं, फैमिली मेम्बर्स, दोस्त अहबाब ये नहीं कहते कि यार कितने फंस गए हैं? वही मुझे सब, हालांकि मैंने स्क्वाश में आपको पता है सबसे ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि सब दुनिया की सबसे टफेस्ट गेम है, मुझे लोग यही कहते हैं कि तू इससे बेहतर क्रिकेट में अपनी सारी एफर्ट कर लेता, तू क्रिकेट प्लेयर बन जाता तो तुझे पैसों की तो प्रॉब्लम ना होती, स्क्वाश प्लेयर बन गए, स्क्वाश में आपको पता है इनकम ही नहीं है, और क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है पाकिस्तान में, अगर आप कोई चीज़ बंदे से स्पॉन्सर लेने जाओ उसको, वो कहते हैं पहले वर्ल्ड चैम्पियन बन के दिखाओ, अगर वर्ल्ड चैम्पियन बन के स्पॉन्सर लेना है तो फिर तो उस स्पॉन्सर का कोई फ़ायदा नहीं, स्पॉन्सर तो तब चाहिए जब इंसान वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हो खेल रहा। तो एक माह में जब एक प्लेयर आता है उसको कितने एक्सपेंस चाहिए होते हैं इस गेम के लिए? अब अंडर 11 और अंडर 13 का जो बच्चा ना, उसको कम से कम 50,000 रुपीज़ चाहिए पर मंथ, पर मंथ, क्योंकि 50,000, हाँ जी, क्योंकि उसमें शूज़ हैं, रैकेट है, अब 30,000 to 40,000 का रैकेट हो गया, 700-800 रुपये का बॉल है, 20,000 के शूज़ हैं, फिर कोर्ट की मेम्बरशिप, कोचेस, हर चीज़ आपको पर, गरीब बंदे की गेम नहीं है अब तो, एक गरीब बंदे की गेम नहीं रह चुकी। लेकिन वैसे आपकी नज़र में कोई ऐसे गुजरे हैं जो इसमें खेलते थे, उनको लोग हेल्प भी करते थे? हमारे इधर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेंबर्स हैं, जो हमारे क्लब के आते हैं, वो जो थोड़े से बच्चे अफोर्ड नहीं करते उनको स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन उनके स्पॉन्सर से कुछ भी नहीं होगा, उनके स्पॉन्सर से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन उनका स्पॉन्सर से ये है कि एक बच्चा स्क्वाश खेल रहा होगा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए गवर्नमेंट को और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को हेल्प लगाना करनी पड़ेगी। कौन सा ऐसा मेडल है जो बहुत यादगार हो? मैं सबसे जो यादगार मेरे लिए साउथ एशियन गेम्स थी, क्योंकि मैंने इंडिया को जीता फाइनल में, और जब झंडा पाकिस्तान का ऊपर गया तो आपको पता ही है। जिस तरह क्रिकेटर्स में लड़कियां उनकी बड़ी फ़ैन होती हैं, आपकी भी कोई फ़ैन होती हैं कि कहते जान ही छुड़ाओ और को कुछ नहीं का? नहीं नहीं, फ़ैन तो होती है, लेकिन स्क्वाश की एक फैमिली है, जैसे मैं US में जाता हूँ या किसी दुनिया में जाता हूँ, लोग मुझे जानते हैं मेरे नाम से, मैं जैसे पाकिस्तान में तो नहीं इतना मुझे लोग जानते, लेकिन US वगैरह में जानते हैं, मैं किसी क्लब में जाता हूँ उनको पता है कि यार ये तैयब असलम आया है, तो कि वो खुशी से मेरे से ऑटोग्राफ लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट क्रिकेट दिखा गए, स्क्वाश और दूसरी स्पोर्ट्स ही ख़त्म कर दी उन्होंने। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है
आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार कोई लड़की दरवाजे पर आ गई हो, ये अब ये ना कहना यार साढ़े थेडे नसीब। नहीं नहीं फिलहाल ये तो नहीं हुआ, लेकिन प्रपोजल आती रहती हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आओ सोशल मीडिया के अलावा कुछ नहीं। नहीं ग्राउंड से कोई पीछे नहीं आता? नहीं जैसे बाबर आजम को आवाज़ें लग रही थी, बाबर प्लीज एक मरतबा देख लो, इधर कोई चक्कर नहीं। हमारे नजीब इस तरह के नहीं है। मेरे 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 पास भी बाबर की तरह स्पॉन्सर या ऑडी होती, मेरे शायद मेरे पास भी आते। बंदे की वैल्यू से कोई नहीं है। नहीं इधर इधर पाकिस्तान में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में मेहनत नहीं देखी जाती। पाकिस्तान में अगर मेहनत देखी जाती हो तो बड़े ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान में ज़ाया हुए वो नहीं होते। स्क्वाश में मेरे मैंने जब से लाइव संभाली अपनी और संभाली है, मेरे ख्याल से मेरे सामने सामने कोई 20 से 25 वर्ल्ड चैम्पियन आए हुए हैं, जिनको दुनिया कहती थी कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है, लेकिन नहीं।